कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वो असल में तुर्क था। उसके गुलाम होने के कारण ही इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। ऐबक 4 साल तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा। उसकी मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में आराम शाह ने सत्ता संभाली, परंतु उसकी हत्या इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में कर दी। इल्तुतमिश की सत्ता अस्थायी थी और बहुत से मुस्लिम अमीरों ने उसकी सत्ता को चुनौती दी। कुछ कुतुबी अमीरों ने उसका साथ भी दिया। उसने बहुत से अपने विरोधियों का क्रूरता से दमन करके अपनी सत्ता को मजबूत किया। इल्तुतमिश ने मुस्लिम शासकों से युद्ध करके मुल्तान और बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया, जबकि रणथंबोर और शिवालिक की पहाड़ियों को हिंदू शासकों से प्राप्त किया। इल्तुतमिश ने 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के बहुत से कमज़ोर शासक रहे, जिसमें उसकी पुत्र रज़िया सुल्तान भी शामिल है। ये करम गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से 1287 तक शासन किया, की सत्ता संभालने तक जारी रहा। बलबन के बाद के कुबाद ने सत्ता संभाली। उसने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को अपना सेनापति बनाया। खिलजी ने केकुबाद की हत्या कर सत्ता संभाली, जिससे गुलाम वंश का अंत हो गया।